हमारा पर्सनल नहीं, ये दिल का कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन, दोनों. तो आई थिंक हमारा कनेक्शन तो हो गए 3-4 साल, जी 4-5 साल हो गए. 2015 से हमारा दिल का कनेक्शन है, जब हमें ये एहसास हुआ था कि नहीं ओके अभी इसे फ्रेंडशिप नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ है. एंड इन सब के साथ हमारा दिल से कनेक्शन 2 साल हो गए जब से बना हुआ है, यूट्यूब की जर्नी से. और उससे पहले भी हमारा सबसे एक्चुअली क्या है ना कि जब भी हम कुछ काम करते हैं, या हम एज एन एक्टर काम करें या अभी एज अ ब्लॉगर हम काम करते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो काम करें जिससे हम लोगों तक, लोगों के दिल तक पहुंच पाएं, चाहे वो एज एन एक्टर हो या वो यूट्यूब पे जर्नी हो. और खुशी इस बात की है कि उस चीज़ में हम कामयाब रहे हैं अब तक. यस, और मतलब हर हर पहलू में, हर पड़ाव में ये जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया है, चाहे हम आपस की बात कर लें या चाहे हम दर्शकों के साथ बात कर लें. तो ये जो है पिछले 2 साल से, जैसे किशोर ने कहा, ये जो एक सफ़र शुरू हुआ, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा वो वेलकम रिस्पॉन्स मिलेगा. और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आज हम एक पूरे अलग प्लेटफॉर्म पर जो है लेकर आ रहे हैं. तो पहला कनेक्शन किसकी तरफ? आई थिंक पहला कनेक्शन हम दोनों सर दोनों सामने वाले को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस जब हमें ये एहसास हुआ था, मैं अपना शो जो मैं कर रहा था सिमर, वो मैं छोड़ चुका था और ये कर रही थी. तो जो पहले 12-12 घंटे हम लोग साथ में सेट पे रहा करते थे, यू नो, मस्ती मजाक सीन्स कर रहे हैं, वो सडनली एकदम से ख़त्म हो गया. फिर कभी कभी बीच में ऐसा वक्त भी आया करता था कि हम दो दो दिन मिल नहीं पाया करते थे. देन वहाँ पे चीज़ें होना कि नहीं यार, अब वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी, कुछ ज़्यादा है. क्योंकि आप इतना किसी को मिस नहीं करते, इतना किसी की चीज़ें याद नहीं करते, अगर सिर्फ फ्रेंडशिप हो तो वहाँ पे दोनों को, हम दोनों को एहसास हुआ कि नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड देन फिर वहाँ से चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ी. और आज हम लोग का पता क्या है, हम लोग एक बहुत मैच्योर जोन में हमेशा रहे हैं. तो हमारे बीच में ये कभी नहीं हुआ कि फोन करके बोला हो कि अरे बहुत मिस कर रहे हैं या बहुत याद आ रही है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. बट हाँ, वो आज मिल सकते हैं, आज मिल पाएंगे, अच्छा लेट शूट हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं कल मिल लेंगे. तो इस तरीके की इक्वेशन हम दोनों की हमेशा रही है. और हम दोनों ने एक दूसरे के एक्शंस को बहुत कहते ना पढ़ा है और समझा है, तो वहीं से आधा काम जो है वो होता चला गया. हम दोनों उस तरीके से बहुत, कोई भी डिमांडिंग नहीं रहा कि नहीं मुंह खोल के बोलो, ना मैंने कभी ये एक्सपेक्टेशन रखा ना शोएब ने. तो वो चीज़ जो है काफ़ी एक मैच्योर लेवल पे हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता चला गया. So, ये जो 2 साल पहले जो हमने हमारी ब्लॉगिंग का जो एक सफ़र स्टार्ट किया था, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल, दीपिका कक्कर, दीपिका की दुनिया, ये करके, वहाँ से जो हम अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा हमारे व्यूअर्स को बनाते चले गए, हर छोटी बड़ी खुशी उनके साथ शेयर करना, उतार चढ़ाव में हमेशा वो एक हिस्सा रहे हैं. तो आज वही चीज़, वही कॉन्टेंट जो है एक अलग पैकेजिंग में, मैं कहूँगी एक अलग अंदाज भी नहीं कहूँगी, एक अलग पैकेजिंग में, एक थोड़े और फन एलिमेंट के साथ जो है दिखने वाली है द क्यू पे, विच इज़ द शो कॉल्ड दिल से कनेक्शन, शोएका के साथ. सो या दैट्स अबाउट इट. तो ये जो हमने कनेक्शन 2 सालों में एक प्लेटफॉर्म पे बनाया है आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स के जरिए, अब हम आपके घर आने वाले हैं आप ही की टीवी पे. सो आपको कोई कहीं जाने की, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अपना टीवी ऑन कीजिए एंड वी आर देयर. मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसा कि उन्होंने बोला, हालांकि हमें पता है कि ऑलरेडी हमने क्या कंटेंट डाला हुआ है, बट उसके बाद भी अभी हमने फर्स्ट एपिसोड देखा है. तो फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वो एक डिफरेंट था, और ये जो फर्स्ट एपिसोड बना है, यू नो,
अलग अलग चीजें तोड़ के बना है। तो यस, हम भी उस चीज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि अब सेकंड एपिसोड किस तरीके से होगा, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक क्या डाला होगा, कहाँ किस तरीके से चीजें एडिटिंग की होंगी। तो यस, हमें भी देखना है कि वो, जैसे दीपिका ने बोला कि एक नए पैकेजिंग में मिलेगा, तो वो पैकेजिंग देखने के लिए हम भी रोज एक्साइटेड हैं कि अच्छा आज सेकंड एपिसोड आने वाला है। तो आई एम श्योर जो नए लोग इससे जुड़े होंगे या जो देख चुके होंगे, उनको भी एक डिफरेंट लगेगा और मजा आएगा बहुत। जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे जो कंटेंट है वो वही है जो हमारे दर्शक हमारे ब्लॉग्स में देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये वही कंटेंट है जो हमारे दर्शक हमारे ब्लॉग्स में देखते हैं। हमारे ब्लॉग्स आ जीरो फिल्टर, इट इज जो हम घर पे हैं वही है। तो पर्दे के पीछे हमारा जो रैपो है वो ऑलरेडी ऑडियंस एक बार देख चुकी है, बस उसी को दोबारा से हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घर पे मैंने सब कुछ कर लिया। घर पे मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, मैंने खाना भी बना लिया है। बहुत ही लाजवाब खाना बना रहे हैं। मैंने ज्यादा नहीं बनाया है, मैंने दो तीन चीजें बनाई हैं। मैं चिकन कोरमा बना चुका हूँ मैं, और इनका मेरे लिए इन्होंने बनाया था पूरी और आमरस बनाया था वो। हाँ, और बहुत ही प्यारा सरप्राइज था। मैं शूट से वापस आ रही थी लास्ट ईयर, एंड पूरा उन्होंने आटा गूंदने से लेके सब कुछ पूरी और आमरस मेरे लिए रेडी करके रखा था, और पूरा घर डेकोरेट करके रखा था। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज। तो ये सब अब ये समझ लो कि जैसे कि हमने बोला, जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो हमारा मेन एम ही यही था कि हम जैसे हैं हम बस वैसे ही शेयर करेंगे। और हम इसको पर्दा नहीं बनाएंगे, लाइक हम इसको एक्टिंग नहीं बनाएंगे कि जैसे हम टेलीविजन में करते हैं, शोज करते हैं, यू नो, मेकअप पहनते हैं, देन वैसे कॉस्ट्यूम पहनते हैं, फिर वैसे हम एक्ट करते हैं। मैंने कहा ये दोनों बहुत ही डिफरेंट रहेंगे। ये बिल्कुल हम घर में, जब हम पैकअप करके जब घर आते हैं तो हम घर में कैसे रहते हैं ना, यू नो, पड़े हुए हैं ऐसे, कभी शॉर्ट्स पहना हुआ है, हालांकि मैं शॉर्ट्स पहनता नहीं हूँ, ट्रैक पहना हुआ है, बाल अगर बिखरे हुए हैं तो बिखरे हुए हैं। और मैं तो इतना ज़्यादा हम लोग रियल रहते हैं कि हम तो ऑडियंस से ये भी शेयर करते हैं, भाई आज संडे, आज नो नहाना डे, आज नहाता नहीं हूँ संडे को वाला, आज संडे मतलब रेस्ट करना दे। तो इतने रियल हैं हम सबके साथ में, और आई थिंक वो लोगों से कनेक्ट कर गया कि वो सब देखना चाहते थे, शायद वो जानना चाहते थे कि हम एज अ पर्सन एक्टर, एज एन एक्टर छोड़ के हम कोई किरदार नहीं निभा रहे हैं यहाँ पे, हम एज शोएब दीपिका ही जी रहे हैं। तो आई थिंक वो कनेक्ट कर गया लोगों को। जरा हटके तो है ही, क्योंकि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से व्लॉग्स जो है वो नेशनल टेलीविजन पे दिखाए जाएंगे। तो जरा हटके कॉन्सेप्ट तो है ही है। और यस, फैंस से बस यही बोलना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। अब तक की पूरी जर्नी में 2010 से लेके, मैं दो साल की नहीं बोलूंगा, मैं 2009 से बोलूंगा, 2009 से अब तक का अपना प्यार बनाए रखने के लिए और इतना सपोर्ट, इतना अपनापन देने के लिए। बस एक नई जर्नी की शुरुआत और हो रही है, तो इसमें भी उम्मीद करता हूँ कि वैसे ही आपका प्यार, आपका अपनापन बरकरार रहे। क्यों? बिल्कुल। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना टीवी ऑन कीजिए, डीडी फ्री डेज चैनल नंबर 34 ऑन कीजिए, और हमें रोज़ मिलिए मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे दिल से कनेक्शन शोएका के साथ। यस, Thank you. Thank you.